बिलों ने तो लोगों को जैसे मर ही दिया हो। बिजली का बिल आया है? तेरे को हाल है, एक कमरा एक पक्का है, एक बल्ब है। बिजली का बिल आया? बिजली का बिल आया 12,000। नहीं घर में चलाते क्या हो जो 12,000 पक्का है? बस सारी दिहाड़ी भी बंद भी रहता है फिर भी इतना बिल आ जाए। बगैर फ्रिज के 12,000? बगैर फ्रिज के मोटर का बिल इतना है। पाकिस्तान के रहायशी हो? जी सर पाकिस्तान। फिर इससे यहाँ पर पैदा होने का सिर्फ जुर्म किया है? सुबह 8 बजे का खड़ा हूँ, अभी तक ये पैसे कमाए हैं मैंने, ये पैसे पानी बेच के कमाए हैं और ये गरीब आवाम। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासर शमून खान एक अवामी सर्वे को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, एक ऐसी रियासती डकैती जो हर घर में रोजाना नजर आती है टेबल पर पड़ी हुई, एक बिजली के बिल की सूरत में। बिलों ने तो लोगों को जैसे मार ही दिया हो। अवामुल्लास क्या बाकी इस बिजली के बिल से तंग है, या फिर ये कितिया कहानी है, या सिर्फ ये एक रवायती एहतजाज है जो हम बातों बातों में करते रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिजली का बिल है कितना है? आया जी 3,000। 3,000? कितने कमरे ने? एक कमरा एक पक्का है, एक बल्ब है। एक पक्का एक बल्ब 3,000 रुपया बिल, ठीक हो गया। बिजली का बिल आया भाई तेरा? जी भाई ना आया। नहीं आया? आया भाई ना। पाना है 18,000। 18,000 की चलांदे हो? फ्रिज चलाई दे, पक्के चलाई दे, और भी चलाना है। फ्रिज ते पक्के ते एक दा बल्ब ते 18,000 रुपया बिल? हां जी। किराए दा घर है अपना फिलहाल ते? किराए दा हो तो बचत हो गई। हां जी, बचत हो गई, वरना काम किराए दा हो ते वो काम उल्टी पुल्टी हो जाएगा फिर। रुड़ी गए, लेकिन 18,000 भी वो भी आ गए। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा फर्क पे। कारोबार है कोई नहीं, घर दी सूरत हाल च फर्क पे कोई? बहुत ज्यादा पे है, कड़ा नहीं पता। भरा का बिल आया बिजली का? नहीं आया जी। बिजली का बिल आया तुम्हें बेटा? सर हमने तो आज तक देखा भी नहीं। देखा भी नहीं? जब से वाले साहब हैं सर, वाले साहब सर पे हैं, वाले जाने उनका काम जाने, बच्चे कहाँ पे? सामने कम चाचा, बिजली का बिल आया? बिजली का बिल आया? कितना अनुरोई है? कितना अनुरोई है? आया जी, देखे आया? कितना आया बता? 30,000। 30,000 रुपये बिजली का बिल आया? बिजली का बिल आया जी। कितना है? 12,000। घर किराए का जी? 12,000 भी दोगे? घर का किराया कितना? 18,000। 18 और 12 30। 30,000 निकल लेते हैं बस जी। जैसे क्या करें फिर, जब बिल क्या चलाते हो? 12,000 रुपया बिल आ गया। नहीं घर में चलाते क्या हो जो 12,000? पंखा है बस। कितने और कमरे? एक कूलर है, दो कमरे हैं। दो कमरे? दो पंखे हैं। दो पंखे हैं और एक लाइट है। जुल्म की इंतहा, खुदा की कसम, बिलबिला देने वाली सख्त गर्मी में अगर इंसान बिजली का इस्तेमाल भी ना करे तो क्या करे? समझ से बाहर है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपका बिजली का बिल आया? हाँ जी सर। कितना है? सर आ जाना 12-14,000। बेटा क्या एसी चलाते हो? नहीं सर। क्या क्या चलाते हो? अजी पखा चलाने हैं सर, छत वाला। हाँ। मोटर एक पखा एक मोटर? हाँ जी। ते कोई एक अद्धा बल्ब? हाँ जी बस। बस ओवर सारी दिहाड़ी भी बंद भी रहता है फिर भी इतना बिल आ जाता है। सारी दिहाड़ी बंद रहने के बावजूद? हां जी, असि सारी दिहाड़ी कामा से निकल जाने। हां जी, रात ही आना। हां जी, रेंट ते कितना रेंट है? 8,500 ₹। 8.5 से 12 20,000। हां जी 20,000। 20,000 निकल अंदर रक्षे जो? नहीं सर, उधार पड़ के। हां जी 1000 ₹। हां जी, तेरा बिल कितना है? 10,200। कितना की कुछ लांदे हो? एक पानी वाली मोटर, दो पखे, तीन बल्ब। फिर तड़ा सही आ गया, फिर ठीक आ गया। नाजरीन, बिल तो इस तरह लोगों के ऊपर कियामत बन के टूटे हुए हैं कि जैसे शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि उन्होंने लाइट लगवा ली हुई है और वो बिजली के हासूल को हासिल करने के बाद इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बेटा बिजली का बिल आया? जी सर। कितना? 12,000 रुपये। 12,000। कितने कमरे हैं? एक घर है, दो कमरे हैं। एक घर दो कमरे, दो पंखे, दो? हाँ जी, दो पंखे हैं, दो बल्ब है और एक मोटर है। एक मोटर? फ्रिज नहीं है? जी फ्रिज नहीं है। फ्रिज नहीं है? बगैर फ्रिज के? बारह बगैर फ्रिज के मोटर का बिल इतना है। सिर्फ मोटर का बिल? सिर्फ मोटर का बिल इतना है। मोटर यूज घर किराए का? घर किराए का। कितना किराया? उसका 12,000 किराया। 12,000 जी। 24,000 तो ये निकल गया जी सर। गुजारा कैसे होता है? और गैस का बिल अलहदा देते हैं। कितना? वो तकरीबन 400-500 अलहदा आ जाता है, 1,000 भी आ जाता है। पानी का कितना आ जाता है? पानी का 300-400 आ जाता है। 300-400 आ जाता है। शादी शुदा? नहीं, शादी शुदा नहीं। बहन भाई हैं? जी सर। माँ बाप हैं? जी सर। मुश्किल गुजारा होता है? जी सर, बहुत मुश्किल होता है। ये पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ाई बस ये काम की वजह से पढ़ाई नहीं की, महंगाई इतनी होगी, काम में लग गया, ये पढ़ाई छोड़ दी मैंने। माँ बाप की मदद करने के लिए? जी सर, माँ बाप की मदद। दुख होता है? बहुत दुख होता है सर, बकायदा। आप लोगों की तरह अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, दिल दुखता है।
सबका ही दुखता है, साहब जो ऐसे काम कर रहे हैं वो भी कहते हैं। घर में लगा हुआ दिल दुखता है, सबका दिल दुखता है, जब अच्छा नहीं है दिल दुखता है। पाकिस्तान के रहायशी हो? जी सर, पाकिस्तान के रहायशी। युगंडा से तो नहीं आए? नहीं नहीं, इधर से। श्रीलंका के तो नहीं हो? नहीं सर, नहीं सर, इधर का ही। कनाडा से तो नहीं आए? नहीं सर, इधर का ही। फिर से यहाँ पर पैदा होने का सिर्फ जुर्म किया है? क्या जुर्म किया है? क्राइम रिपोर्टर इन तमाम जुर्म को दिखाएगा, ये याद रखिएगा। खुदा की कसम, मेरा अपना दिल दुखता है, मेरा अपना दिल फट जाता है। किसी से क्या बात करें, पानी पिलाने वाला सड़कों के ऊपर किस तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाता है अल्लाह बेहतर जानता है। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक अपना घर है? जी। किराए पे? किराए पे। कितना किराया है? 12,000। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 12,000 रुपया किराया हो गया, बच्चों का खर्च 20,000 रुपया हो गया, 32,000 हो गया। बिल कितना आ जाता है? बिल कम से कम 3,000-4,000 तो आ ही जाता है। 4,000 रुपया लगाए आपका, 36,000 रुपया सीधा सीधा ये खर्चा हो गया है। गुजारा हो जाता है? नहीं सर। पानी बेच के? नहीं सर। मांग तांग के? नहीं सर। कैसे सर, क्या करें, बिल्कुल रोटी तो कमानी है बच्चों के लिए। उधार पर सुबह सुबह 8 बजे का खड़ा हूँ ये, अभी तक ये पैसे कमाए हैं मैंने। सुबह 8 बजे से लेके रात तक मोहम्मद फारूक ने ये पैसे पानी बेच के कमाए हैं, ये टोटल मिला के खुदा ताला हमें बख्श दे, हमें माफ कर दे। ये 300 रुपया नहीं बनता, 300 रुपया इसने ये टोटल कमाए हैं, इसमें को 50 रुपए लागत भी होगी सर। 200 रुपए की पट्टी बर्फ की दे रहे हैं, वो भी इतनी मोटी है, 200 रुपए की पट्टी भी पूरी नहीं हुई अभी जी। तक और 300 रुपए टोटल आपने बट लिया है जी, उसमें बचत नहीं है? नहीं सर। तो अभी तो रात होने वाली है जी सर, अभी 8 बजे तक खड़ा होगा, जो बच्चों के लिए मिलेगा अल्लाह का राह का शुक्र होगा, जो इज्जत का मिलेगा मिलेगा सही, वरना किसी के उधारे ले लेंगे। उधारे ले लेंगे जी। बच्चे गिला करते हैं जी बहुत? क्या कहते हैं? शादी है अभी, उनके कपड़े लेने हैं, वो रोज रोते हैं कपड़े लेने हैं, क्या करूं, कहां से पूरा करूं? नहीं कपड़े लेके दे देंगे। शादी करीब की है जी, नहीं जाओगे तो नाक कट जाएगी। नाक कट जाएगी। बीबी ने भी काफी अरसे से कपड़े नहीं लिए होंगे। जा रहे ईद पे कुछ भी नहीं पहना हुआ किसी ने भी, मैं इधर आया हूँ काम कर रहा हूँ, ईद वाले दिन काम कर रहा हूँ, क्या करें अगर बच्चों को कुछ ना कुछ तो खिलाना है। बिजली के बिल, टैक्स और ये गरीब अवाम और वो शराफिया जो मजे ले रही है, जिनके वॉशरूमों में भी एसी लगा होता है और जिनके ख्वाबों ख्यालों में भी ठंडी हवाएं चलती हैं। मोहम्मद फारूक आज अपने बच्चों को शादी के ऊपर कपड़े नहीं लेके दे रहा, रोते हैं बिलबिलाते हैं। बेटियों का और बेटों का जब छोटे बच्चों का साथ होता है ना, उनकी हसरतों के साथ जब माँ बाप खेलते हैं, तो ये बिल्कुल कोयलों के ऊपर चलने वाले मातम के बिल्कुल ऐन मुताबिक होता है। कब तक करेंगे, कब तक सहेंगे? कई मोहम्मद फारूक यहाँ पर आएंगे, पानी बेचते बेचते अपने जिस्म का पानी निचोड़ डालेंगे और मर जाएंगे। और ये जुर्म होता रहेगा और ये मैं दिखाता रहूँगा।